फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने के मामले में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। भाजपा नेता की शिकायत के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की, जिसे 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच कमेटी की लापरवाही को देखते हुए ग्रामीणों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। बेलड़ा गांव के ग्राम प्रधान सचिन कुमार और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी के फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने वाले मामले को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन कमेटी जांच में लापरवाही कर रही है, जिस वजह से बेलड़ा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की जांच जल्द पूरी कर उन पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो ग्रामीण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी। देखो, जो भी आरोप लगे हैं वो सत्यता है। हमारे गाँव का जो प्रधान है और जो जिला पंचायत सदस्य सपना है वो फ्रॉड है। वो 420 तरीके से बने हैं। जो दस्तावेज लगाए वो टोटल फर्जी है। उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, हमारी मांग। वो जो जांच थी उसमें SDM साहब ने थोड़ा विलंब किया। आज इसी बाबत हम मिले कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है, और हमने एक अपना ज्ञापन भी दिया कि अगर सही तय समय पर ये जांच नहीं होती तो हम पूरा गाँव आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा पूरे क्षेत्र के लोग। सचिन प्रधान जो बेलडे का निवासी है, हाँ, उसने फर्जी दस्तावेज लगाकर सपना और अपने आप को खुद को यहाँ से चुनाव फर्जी तरीके से जितवाया है। उस विषय में जो जांच चल रही है उसमें SDM साहब की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिन का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जांच में रहा क्या है। उस विषय को लेकर SDM साहब से मिले थे कि जो जाँच चल रही है उसमें तेजी लाई जाए और जो भी इसमें फर्जी जो दस्तावेज उन्होंने लगाए हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। ये जो गांव में आरोप लगाए हैं ग्राम प्रधान सचिन के खिलाफ, ये आज नहीं है, आज के आरोप नहीं है, लगातार कई महीनों से आरोप लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सचिन प्रधान को बचाने में लगा हुआ है। SDM साहब ने 10 से 15 दिन का समय लिया है, 10 से 15 दिन के बाद हम यहाँ पर अपना तंबू गाड़ के बैठेंगे यहीं पर। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।